जी हेलो। हाँ सुहेल बेटा, कैसे हो? जी कौन बात कर रहा है? मैं नीलम का वालिद बोल रहा हूँ। सो सॉरी अंकल, एक्चुअली मेरा मोबाइल स्नैच हो गया था तो मेरे पास नंबर नहीं था। सो सॉरी फॉर दिस। कोई बात नहीं, कैसा चल रहा है सर? बस अंकल कुछ नहीं, मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ आजकल। गुड, आज रात बिजी तो नहीं हो? SH अभी कोई रात की अपॉइंटमेंट तो नहीं है किसी के साथ, आप बताइए। तो फिर घर आ जाओ, डिनर साथ करते हैं। बिल्कुल ठीक है, पूरे 9 बजे। इंतजार अच्छा नहीं लगता मुझे। इंशाल्लाह आई विल बी देयर अराउंड 9। चलो बेटा, खुदा हाफिज़। हेलो राहत, कैसी हो? कहाँ हो इस वक्त? घर पे। फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? क्या हो गया राहत? नायला और अरशद को लेकर उस जहन्नुम से फौरन निकलो। मुश्किल है ना, पर नहीं हो सकता। अच्छा मिलने तो आओ राहत। नहीं वो भी मुश्किल है, हकदाद ने निगरानी बढ़ा दी और मैं नहीं चाहती तुम उसकी नजरों में आओ। मैं चाहती हूँ तुम चले जाओ वापस। चला जाऊंगा, मगर तुमसे मेरा मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा इस वीकेंड पे हकदाद फार्म हाउस जा रहा है, तब कोशिश करूंगी। कौन सा फार्म हाउस? वही पुराना वाला? हाँ वही हमारा फैमिली फार्म हाउस। कौन कौन जा रहे? बस हकदाद और शबाना। अच्छा तो मिलने तो आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगी। हेलो। हेलो मीनू। हाय। आई जस्ट वांट टू से सॉरी टू यू। फॉर व्हाट? प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें क्या हो गया था उस वक्त? आई डोंट नो यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। मैं बहुत हर्ट हुई थी। आई कैन अंडरस्टैंड बीना, तुम जो सजा दोगी मुझे कबूल है। ठीक है फिर अब अपनी सजा तुम ही बताओ। ओके बीना, तो फिर कल शाम मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके बट नाराजगी अभी तक खत्म नहीं हुई है और तुमसे तो मैं बदला लेकर ही रहूंगी। ओके तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम्हें जो अच्छा लगे। ओके बाय। बाय। जी हेलो। ताहिर तुम बात समझ नहीं रहे हो, ये सीट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। राजा साहब ये हमारी आबाई सीट है, इस पे जीतना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, हम जीत जाएंगे। नहीं ताहिर, बड़े बड़े अपसेट हो जाते हैं ज़मीनी इलेक्शन में और हम किसी भी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते। और सरवत भाभी को जमील भाई की शहादत का भी तो वोट मिलेगा। वो तो मुझे मिल सकता है, मैं उनका छोटा भाई हूँ। देखो ताहिर सीधी सी बात है, तुम्हारी रिपुटेशन और जमील अहमद की रिपोर्टेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और ये बात तुम भी जानते हो।
सरवत भाभी ही दुरुस्त उम्मीदवार हैं। वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती। आप लोग जानते हैं कि हमारे खानदान की औरतें इलेक्शन नहीं लड़ती। मगर हमने तुम्हारे अब्बा जान से बात कर ली है और उन्होंने ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। क्या तुम लोगों ने बाला बाला काम कर लिया है? देखो ताहिर, जज्बाती मत बनो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो कि इस सीट की हमें कितनी सख्त जरूरत है। और आप जानते हैं कि मुखालफी ने कितना मजबूत उम्मीदवार खड़ा किया हमारे सामने। ठीक है, सरवत भाभी को बुला लें, हम उनसे बात कर लेंगे। मैंने कहा ना कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मैं जानता हूं उन्हें, वो भी भाई के सदमे में। ठीक है, अगर सरवत भाभी ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो ये टिकट हम आपको दे देंगे, मगर पहले आप उन्हें बुलाएं ताकि हम खुद उनसे बात कर सकें। भाभी पार्टी के लोग आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों? वो ये चाहते हैं कि भाई की सीट पर आप इलेक्शन लड़े। आप उन्हें मना करते हैं। तुम उन्हें खुद ही मना कर दो। मुझे नहीं पढ़ना किसी सियासी झमेले में। यह बात आप खुद उनसे जाके कह दें। मैंने कहा ना ताहिर, तुम उन्हें खुद जवाब दे दो। जी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ताहिर जी, मुझे जमील के कत्ल की FIR कटवानी है। वो खुदकुशी नहीं थी, कत्ल था। किसके खिलाफ कटवाएंगे FIR? खान के खिलाफ। माशाल्लाह अच्छे लग रहे हो आज आप। लुकिंग गुड। थैंक्स। अरे हाँ, वो तुम्हारा शो कब से ऑन एयर होने जा रहा है? नेक्स्ट वीक। बेस्ट ऑफ लक भाई। थैंक यू। आंटी को नहीं लेकर आए? आंटी को तुम तो जानती हो, पहले भी एक बार आ चुकी है, अब तक भूली नहीं वो। मैं जानती हूँ, मेरा वो फैसला बहुत बड़ी गलती थी। खैर, गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं, अब कोई फरिश्ते तो है नहीं हम। लेकिन कुछ गलतियां पछतावा बन जाती हैं। भूल जाओ जो कुछ हुआ। मेरे भूलने से क्या फर्क पड़ता है? कुछ लोग कभी नहीं भूलेंगे। उनकी फिक्र करो जो भूल चुके हैं।
क्या बात है, क्या तलाश कर रही हो मेरे चेहरे पे? कुछ तो है जो अभी भी बाकी है। हो सकता है कि वो मेरा बहरूप हो। आपका हर रूप मुझ पे आया है। मुझे भी अपने बारे में यही खुशफहमी है। सोहेल आपको कैसा लड़का लगता है? सोहेल अच्छा लड़का है, मुझे तो शुरू से ही अच्छा लगता था, लेकिन नीलम की वजह से खामोश रहा मैं। क्या वो सेकंड चॉइस बनना पसंद करेगा? क्या कह सकता हूं, जानती हूं कि राहत आपा खुश नहीं होंगी, जानती हूं कि वो क्या सोचेंगे। मैं तो ये सोच रहा हूं कि नीलम क्या सोचेगी। कौन है? कोई नहीं, कोई नहीं, बस एक बात कहूं। आज से पहले तो तुमने कभी इजाजत नहीं मांगी मुझसे बात करने की। आजकल आपके मूड मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते। तुम्हें बताया था मैंने कि कुछ वर्कलोड है, इसे अच्छा लगता है मुझे जब तुम मेरी इतनी परवाह करती हो, मेरे बारे में इतना कंसर्न्ड होती हो। मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी अच्छा लगे।